السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد पिछली दो क्लासेस में हमने इसमें मौसूल और ज़र्फ के कॉन्सेप्ट को देखा था। इसमें मौसूल ऐसा इसम होता है जो कि अपने से पहले किसी इसम को अपनी कुछ डिटेल से तफसील से जोड़ता है, जिसको हम उसका सिला भी कहते हैं, सौद लाम हा। वाहिद मुजक्कर के लिए अल्लज़ी, जमा मुजक्कर के लिए अल्लज़ीना, वाहिद मुअन्नस के लिए अल्लती, जमा मुअन्नस के लिए अल्लाती। ये तो अस्मा हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मौसूला के लिए ही होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे अस्मा हैं जो कि मौसूला के माने में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मन और मा। ठीक है, मन और मा। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। फिर हमने बात की थी ज़ुरूफ़ की। ज़ुरूफ़ ऐसे अस्मा या ऐसे कलिमात जो कि या तो जगह या फिर वक्त की किसी तरह हमें आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, उसकी वजाहत कर रहे होते हैं। और इसका एराब कैसा होता है, ज़र्फ़ कैसा होता है? मफ्तू। कैसा होता है? मफ्तू होता है ना। मरफू, सॉरी, मंसूब। मंसूब ज़र्फ़ जो होते हैं वो मंसूब होते हैं। कब लल मौती बादल मगरिबी आमतौर पे। ठीक है जी, फिर हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी जिसमें हमने पहले वाले को देखा था, अल्लाहु आलमु बिमा बैन समाई वल अर्ज़। ठीक है जी, और उसके बाद हमने शुरू किया था अल जन्नतु लती हिया तहत अर्शिल्लाहि फिरदौसुन। ये वाला हमने कर लिया था, नहीं किया था? अल जन्नतु लती हिया तहत अर्शिल्लाहि फिरदौस। मन आकिल के साथ तो जानदार भी तो मन आकिल के साथ लगता है, जानदार के साथ नहीं कहा था। आकिल मैंने कहा था कि मन आकिल के साथ लगता है, जानदार के साथ नहीं कहा था। हर वो चीज़ जानदार है उसके साथ मन नहीं लगता, आकिल के साथ लगता है। कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह अल जन्नतुल्लती हिया तहत अर्शिल्लाहि फिरदौस कर लिया था। हम नंबर थ्री से देख लेते हैं, मूसा अल्लज़ी जालिसुन माई हाफिज़ुन। जानवरों के साथ नहीं लगेगा मन, जानवरों के साथ माँ लगेगा। ठीक है जी, मूसा अल्लज़ी जालिसुन माई हाफिज़ुन। अच्छा जी, सेंटेंस शुरू हो रहा है मूसा से। मैं सेकंड वाले का बाद में बता देता हूँ। ठीक है जी, सेंटेंस शुरू हो रहा है मूसा से। स्क्रीन बड़ी मैं नहीं कर सकता, आप अपने पास थोड़ा सा जूम कर लें, इससे ज्यादा बड़ी स्क्रीन मेरे पास से नहीं हो सकेगी। अगर सेंटेंस मूसा से शुरू हो रहा है तो मूसा सेंटेंस में क्या होगा? मुब्तदा। और मुब्तदा होने की वजह से इसका एराब क्या होगा? मरफू। और इसका एराब दिख कैसे रहा है? तकदीरी है। बारकल्लाहु फीकुम, इसका एराब तकदीरी है तो दिख नहीं रहा। अच्छा जी, अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूल, इसमें मौसूला या इसमें मौसूल। ठीक है, इसमें मौसूला हो गया। और ये जो है उसका सिला आ गया और उसकी डिटेल आ गई, जालिसुन माई। ठीक है, माई असल में क्या है? मा प्लस या। असल में या था अना। ठीक है, मैं अना था, लेकिन या क्यों बन गया या क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ज़मीर मुत्तसिला, क्योंकि मा को हम लाए मुब्तदा मुज़ाफ़ के तौर पे। ठीक है, माँ को लाए मुज़ाफ़ के तौर पे, तो अना किस क्या बन जाएगा फिर? मुज़ाफ़ के साथ क्या आता है?
मुजाफ इलै आता है, ठीक है। और जब अना को मुजाफ इलै में मुजाफ इलै के तौर पे आना है तो मुजाफ इलै कौन सी हालत में होता है? हालत जर। जर में, ठीक है। तो अना की जगह पे जर में जो जमीर आती है वो आती है या, ठीक है। तो इसलिए अना नहीं आया बल्कि आ गया या। अच्छा, असल में ये था मा और या साकिन। अब यहां पे इशू क्या है, या से पहले क्या आ रहा है? फतहा। लेकिन या से पहले किसको आना होता है? कसरा को। तो इसलिए हम आइन की हरकत जो है वो कसरा दे देंगे, ठीक है। माई है, मा जो है वो हालत नसब में ही है, लेकिन चूंकि आगे या साकिन है और उस या साकिन को तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी जगह पे है। अगर मिसाल के तौर पे यहां पे होता मा और जमा का सीगा होता तो जमा के लिए जमा मुतकल्लिम की क्या होता है? नहनु। मा ना, ठीक है। तो वहां पे हम इसको फिर मा ना ही कहते, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे हमारा इस्तेमाल या का है और या साकिन है, या साकिन से पहले फतहा जो है वो आमतौर पे नहीं आता, इसलिए हमने मा की हरकत जो है उसको कसरा कर दी, लेकिन एराब उसका वही मंसूब रहेगा, ठीक है। दिख नहीं रहा, तकदीरी है, ठीक है। और हाफिजुन जो है असल में क्या हो जाएगी? मूसा की खबर, खबर है ना? मूसा की खबर। और खबर कौन सी हालत में होती है? नकिरा। खबर हालत कौन सी होती है? एराबी हालत, मरफू होता है। मरफू, ठीक है जी। अब इसका तर्जुमा क्या हो गया? मूसा अल्लज़ी जालिसुन माई हाफिजुन। मूसा वो जो बैठा हुआ है माई मेरे साथ, हाफिजुन हाफिज हाफिज है, ठीक है जी। अच्छा, आप नंबर फोर को देख लें, आप पीछे से आप रीड करें और इसका तर्जुमा करें, बिल्कुल कोशिश करें वर्ड टू वर्ड, ठीक है। जालिसुन क्या है? अच्छा, थोड़ा सा एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैंने इस डिटेल को थोड़ा सा छोड़ा है, ठीक है। ग्रामेटिकल उसका एनालिसिस नहीं किया है, अभी इसको रहने दें क्योंकि इसको मैं अगर करूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए फिलहाल इसको रहने दें, ठीक है। फिलहाल उसको रहने दें, सिर्फ मैं इशारा कर देता हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। असल में यहाँ पे जो सिला था वो पूरा जुमला था हुआ जालिसुन माई, ठीक है। तो हुआ मुब्तदा था, जालिसुन उसकी खबर थी और माई जो वो ज़र्फ था। हुआ जालिसुन माई, हुआ मुब्तदा था, जालिसुन उसकी खबर थी और माई उसका ज़र्फ था। लेकिन चूंकि हुआ का जिक्र नहीं है, महजूफ है, इस वजह से मैं उसकी तफसील में भी नहीं गया हूं, ठीक है जी। जी, नंबर फोर, पीछे से पढ़े, पीछे से। अल मुजाहिदून अल्लज़ीना वरा उल वरा अल अल वरा अल जिदारी जिदारी सादिकूना सादिकूना बारकुल्लाह फीक। अल المجاهدون الذين وراء الجدار صادقون। ترجمہ مجاہد مطلب جہاد کرنے والے وہ جو وراء پیچھے ہیں جدار دیوار کو کہتے ہیں मुजाहिद वो जो मुजाहिदीन वो जो दीवार के पीछे हैं वो सच्चे हैं, वो सच बोलने वाले हैं या सच्चे हैं। बैठे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ दीवार के पीछे होने की बात हो रही है, ठीक है। अल मुजाहिदुना मुजाहिदीन अल्लदीना वो जो वरा अल जिदारी दीवार के पीछे हैं, सादिकुना सच बोलने वाले हैं या सच्चे हैं। मूसा अल्लज़ी पढ़ना है, मूसल्लज़ी पढ़ लेंगे मिलाने की वजह से, मूसल्लज़ी जालिसुन माई, ठीक है। ओके जी, नंबर फाइव आप बताएं। वन निसा अल्लाती फी बलदी आबिदात आबिदा आबिदात तुन तुन वन निसा अल्लाती फी बलदी आबिदात तुन वो औरतें नहीं वो नहीं सॉरी और औरतें औरतें अल्लाती इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल है वो जो फी बलदी फी बलदी
बैठी हुई हैं। फी बलदी, बलद कहते हैं मुल्क को या शहर को, तो मेरे मुल्क में हैं। वो औरतें वो जो मेरे मुल्क में हैं इबादत गुजार हैं। इबादत गुजार हैं, इबादत करने वाली हैं। वराआ जो है पिछले सेंटेंस में वराआ ज़र्फ़े मकान हो जाएगा, जिदार के दीवार के पीछे किसी जगह की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है जी। ये वाव हर्फ़े आत्फ़ हो जाएगा। वन निसा उल्लाती और औरतें वो जो फी बलदी मेरे शहर में है या मेरे मुल्क में है, आबिदातुन इबादत करने वाली हैं, इबादत गुजार हैं। नंबर सिक्स, मन हुआ क़ाइमुन इंदी तबीबुन। जी ऑनलाइन कोई इसका तर्जुमा बताएं। मन हुआ क़ाइमुन इंदी तबीबुन, किसका माइक खोल सकते हैं? अपना माइक खोल के बता दें, अपना माइक खोल के बता दें। एक शाजिया आलम, बलदी जो है वो नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ इसमें मौसूला की एग्जांपल थी, ठीक है जी। सर मन, मन जो हुआ वो कायमुन खड़ा है, हिंदी मेरे पास तय्यबुन डॉक्टर है, तबीबुन 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 डॉक्टर है। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैरा, बिल्कुल सही तर्जुमा किया आपने। मन हुआ कायमुन इंदी तबीबुन, वो शख्स। अब मन हमें कैसे पता कि हम शख्स की बात कर रहे हैं? क्योंकि मन जो है वो आखिल के लिए इस्तेमाल होता है। मन वो शख्स, हुआ कायमुन इंदी वो जो कायमुन खड़ा है, इंदी मेरे पास, तबीबुन डॉक्टर है। हम फास्ट नहीं चल रहे, एक्चुअली हम स्लो चल रहे हैं। हम दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं इसी टॉपिक के हवाले से, और अगर आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारा पॉइंट जो है वो हर सेंटेंस का ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं होगा, एज लॉन्ग एज हमें तर्जुमा सही क्लियर हो रहा है इंशाल्लाह, इसका मतलब है कि वी आर फाइन, ठीक है जी। अच्छा नंबर सेवन को आप पढ़ लें प्लीज, दुरुस्त लोग खत्म नहीं उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। नंबर सेवन, وعظ الشيخ الذي هو مدني بعد المغرب وقبل العشاء। आपने कुछ जगहों पे एराब खा गई हैं, आप एक बार वापस पढ़ें। अच्छा जो पहला जो पहले जो दो वर्ड्स है इसका माना है शेख का वाज, शेख का दर्स या शेख की नसीहत, शेख का वाज। अब आप इसको इस तरह पढ़िएगा, وعظ दर्स الشيخ शेख का الذي هو वो जो मदनी, जो मदनी है, मदनी पे एराब क्या होगा? मदनीयुन जी। बाद अल मगरिबी, मगरिब के बाद, व कबल अल इशा, और इशा से पहले, यानी और इशा पे एराब, इशा का एराब क्या होगा? कबल अल इशाई, इशाई। जज़ाकल्लाह खैरा। ये शुरू में पढ़ेंगे इसको, वा शेखी, शेख का वाज, मुजाफ मुलाफिले मुब्तदा है, सदा से वाजू जो है मरफू है। वाजु शेखी, शेख का वाज या दर्स या नसीहत, अल्लज़ी वो जो, यानी कि शेख की बात हो रही है, वो जो हुआ मदनीयुन, वो जो मदनी है, कब कब है? बाद अल मगरिबी व कबल अल इशाई, मगरिब के बाद और इशा से पहले है, ठीक है। मदनीयुन इसका माना होता है मदीना के। अब ये मदनी जो है निस्बत की जाती है, अब ये निस्बत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। कुछ होते हैं जो मदीना के होते हैं यानी मदीना में रहे हैं वो मदनी कहलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने मदीना से पढ़ा होता है तो वो भी अपने आपको मदनी कह लेते हैं। दर्स उन शेख का जो के जो मदीना से है, होगा मगरिब के बाद और इशा से पहले। जी ये भी तर्जुमा सही है, ठीक है। कौन है वो लोग जो जानवर? ओके, मन हुआ खालिदुन फिन्नार, वो जो हमेशा, यहाँ पे कौन के माने में नहीं है, यहाँ पे मन जो है वो मौसूला के माने में है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एक चैलेंज हमारे पास ये है कि ये असल में आयत का एक हिस्सा है शायद, कमन हुआ खालिदुन फिन्नारी, ठीक है। तो चूंकि हमें आयत का पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट में आते तो शायद ट्रांसलेशन ज्यादा क्लियर होता, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से अगर हम देखते हैं, मन वो जो हुआ खालिदुन, हमेशा रहने वाला है, फिन नारी आग में,
ठीक है, असल में आयत देखेंगे तो वो कमन व खालिदुन फिना, जैसे कि वो जो कि आग में रहने वाला है, बट इंशाल्लाह अगर माना क्लियर है तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी, शेख वाजु शेख कराम, वाजु शेखी, वाजु अशेखी, वाज मुजाफ, अशेखी मुजाफ इलाई, ठीक है, और ये पूरा जो है मुब्तदा की जगह पे आ जाएगा, तो इसलिए मुजाफ पे एराब जो है हम मरफू पढ़ रहे हैं। ये कैसे पता चलता है, ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, इसलिए मैं आपको भी फिलहाल कुछ कह नहीं सकता। और अभी हमने हम हरूफ इस्तेफाम पढ़े नहीं है इस ग्रामर के चैप्टर में, इसलिए अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है जी, नंबर 7 में खबर होगी ये असल में जो ज़र्फ है वो खबर की जगह पे ही आ जाएगा, वाज़ु शेखी बादल मगरबी और कब्दल ईशाई, टेक्निकली जहाँ पे जो खबर है वो महजूफ है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं उर्दू में होगा। ठीक है, ये होगा जो है ये असल में खबर जो है वो महजूफ है यहाँ पे। ठीक है, 8 को मन हुआ खालिदुन फिन्नार, वो जो होगा वो खालिदुन हमेशा रहने वाला फिन्नारी आग में। ठीक है जी, अच्छा ये एक मश्क है, इसको आपने करना ये है कि इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है अब। ठीक है, अभी 6:30 बज रहे, आपको मैं इंशाल्लाह 10 मिनट दे रहा हूँ, आपने कोशिश ये करनी है अगर आपके पास सामने है तो आप इसको पढ़ें और साथ जो है इस पर हरकत लगाएं। ठीक है, कि किस कलिमे को किस तरह पढ़ा जाएगा, आप इस पर साथ हरकत लगाएं, और जब इंशाल्लाह लग जाएंगे हरकत तो फिर 10 मिनट के बाद जो है हम इसको क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, मुजाफ इलेही मरफू नहीं होता, मुजाफ इलेही हमेशा मजरूर होता है। ठीक है, महजूफ क्या है उसको फिलहाल रहने देंगे, वो क्या चीज महजूफ है इंशाल्लाह कभी आगे आ जाएगी। वाजु शेखी वाला जुमला इस्मिया है, जी जुमला इस्मिया है, ये महजूफ पढ़ाई हो चुकी है क्या, महजूफ यानी वो चीज जिसका जिक्र नहीं किया गया सेंटेंस में लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, आपके पास अब 10 मिनट है इंशाल्लाह। जी महजूफ मतलब जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। मेरे ख्याल में अक्सर ने पढ़ लिया है तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं इंशाल्लाह। हमना खान आपका माइक अनम्यूट किया है तो आप पढ़ लें प्लीज। आप रीड करिए, एक दो तीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, ये हाजा मदरसती, हाजी ही मदरसती, हाजा फसली, फी ही कुरासियु व मकातिबु लित्तुलाब, फी ही करासियुन व मकातिबुन, मकातिबुन आएगा जी, मकातिबुन पढ़ लें फिलहाल, मकातिबु लित्तुलाब, वैसे मकातिबु होगा जी, व मकातिबु। अच्छा अब तर्जुमा कर लिया, हाजी ही मदरसती, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी क्लास है, ये मेरा स्कूल है, सही, ये मेरी क्लास है, इसमें कुर्सियां और डेस्क या मेज है, इसमें कुर्सियां हैं और डेस्क हैं, लित्तुलाबी तालिब इल्मों के लिए, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सही। हादा कुर्सियुन व हादा, ये लिखा हुआ है हादा कुर्सी, जी जी
हादा कुर्सी ये व हादा मकतबी, सही, ये मेरी कुर्सी है और ये मेरा डेस्क है। सही, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा डेस्क है। कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरी कलम और मेरी किताब मेज पर है। व हकीबती, डेस्क पर है, जी डेस्क पर है। व हकीबती और मेरा बैग तहतल कुर्सी कुर्सी के नीचे है। नाफिजा, मेरी कुर्सी नहीं, मेरी कुर्सी नहीं, तहतल कुर्सी कुर्सी के नीचे, मेरा बैग कुर्सी के नीचे, जी। नाफिजा तो फसली, मेरी क्लास की खिड़की मफतूह है, क्लास की खिड़की क्या खुली है, सब बंद कर। नाफिजा तो फसली मफतूहतुन, मेरी क्लास की खिड़की खुली है। अच्छा, आप इस तरह एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये ऑनलाइन एक सवाल आया है कि कुर्सी के साथ हमजा क्यों नहीं आया, ये तो मुअन्नस है। ये तहतल कुर्सी में या किसी भी, अब ये मुझे नहीं मालूम। कुर्सी मुजक्कर नहीं, मुअन्नस नहीं है, कुर्सी मुजक्कर है। उर्दू में मुअन्नस होती है लेकिन अरबी में कुर्सी का कलिमा मुजक्कर है, ठीक है। बैग को शांता भी कहते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है जी। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, अब हम किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। एक चीज आपसे पूछनी थी प्लीज, ये फी ही कुरासी यू व मकातिबू क्यों है, मकातिबुन और कुरासी यू? जी, ये असल में गैर मुनसरिफ होंगे, कुरासी यू व मकातिबू गैर मुनसरिफ होंगे। अच्छा, कुर्सी 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 गैर मुनसरिफ है, कुर्सी नहीं, करासी, करासी तो कुर्सी का करासी जमा गैर मुनसरिफ। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, मफाइल से, जी गैर मुनसरिफ का वजन है ना, मफाइल गैर मुनसरिफ का वजन है, जैसे मसाजिद। सही, मैं पढूं सर आगे? जी जी, यहाँ से पढ़े प्लीज। हादा फसलु अखी, ये क्लास है मेरे भाई की। वदालिका और वो, सही, फसलु क्लास है उख्ती मेरी बहन की। फसलु क्लास, सही, अखी कबीरुन मेरे भाई की, कबीर है बड़ी है, कबीरुन ठीक है ना, मेरे भाई की क्लास कबीर बड़ी है। वो फसलु और क्लास उख्ती मेरी बहन की। अच्छा, आप कोशिश करें, देखें कोशिश करें कि आप ब्रेक वहां पे करें जहां पे एक फ्रेज कंप्लीट हो। जैसे आप कहें फसलु उख्ती, ये एक फ्रेज है, मेरी बहन की क्लास। बेहतर ये होगा कि आप पहले एक सेंटेंस को रीड करें, जैसे फसलु अखी कबीरुन, आपने इसका तर्जुमा किया, फिर आपने कहा व फसलु उख्ती सगीरुन, फिर इसका तर्जुमा किया, ठीक है। फसलु अखी अमामा फसली, सही, फसल यानी क्लास, अखी मेरे भाई की, अमामा ये ज़र्फ है ना? जी ज़र्फ है। फसली मेरी क्लास के। व फसलू उख्ती अमामल मलअब, मलअबी, मलअबी, अच्छा क्यों सर? ये जाएगा ना जी, ये ज़ेर क्यों आया? मुज़ाफ इलैही हो जाएगा, अमामा मुज़ाफ। अच्छा सर, वैसे ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ, तर्जुमा क्या हो जाएगा? वो फसलु और क्लास उख्ती मेरी बहन की, अमामा सामने है, अल मलाबी प्लेग्राउंड के। सर ये प्लेग्राउंड के सामने है, आपने फसलु खफीफ है क्योंकि मुज़ाफ है जी, फसल जहां जी। आप क्या कह रही थी? यस सर, यही मैं पूछना चाह रही थी, आप बता रहे।
फसलू जो है वो खफीफ है क्योंकि ये मुजाफ बहन की क्लास, ठीक है जी। उख्ती एंड में साकिन इस वजह से क्योंकि ये या साकिन होता है, जो अना का या है ये साकिन होता है, इस वजह से हम इसको बगैर, ठीक है जी, इसको आप कंप्लीट कर लें प्लीज। अमामल मलाबी, सर ये अमामल मलाबी का मतलब आया बाद में, मतलब कि अमामल मलाबी प्लेग्राउंड के सामने। अमामल मलाबी में कसरा क्यों आया सर? मलाबी जो है वो मजरूर है क्योंकि वो मुजाफ इलेही है और मुजाफ अमाम है, अमामा मुजाफ मलाब मुजाफ इलेही जी, मुजाफ अमामा और मलाबी उसका ठीक है जी, शुक्रिया। ली सदीकुन वाहिदुन फिल मदरसती, ली मेरा है, सदीकुन दोस्त, वाहिदुन एक, ये हो गया सिफत जी, सिफत इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिफत मौसूफ कहते हैं इसको, सिफत मौसूफ एक दोस्त जी। फिल मदरसती मदरसे में, इस्मुहु उसामा वहुआ फी फसली आइजन, इस्मुहु उसका नाम है उसामतुन, उसामतु, उसामतु, अच्छा जी जी, गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, ठीक है सर। ये कैसे याद होंगे, ये याद करने होंगे? आ जाएंगे आगे, आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको आगे पता चल जाएगा कैसे पता चलते हैं। ठीक है, वह हुआ और वो है फी फसली मेरी क्लास में, आइजन और आल्सो, तिलकल गुरफतु, आइजन का मतलब होता है भी, भी, तिलकल गुरफतु तुल कबीरतु लिल मुदर्रिसीन, वो बड़ा कमरा, कमरा बड़ा, लिल मुदर्रिसीन न बड़ा कमरा, मुदर्रिसियों टीचर्स के लिए है, मुदर्रिसीना सही, फी मदरसतीन अल मुदर्रिसूना कसीरूना, फी में हमारे मदरसते में, मदरसे में हमारे, अल मुदर्रिसूना बहुत सारे टीचर्स हैं, कसीरून बहुत सारे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आवाज वो क्लियर नहीं आई थी तो जी जी मैं एक बार वापस कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। अच्छा, अमामा का मतलब होता है सामने, मैं पूरे उसका एक बार तर्जुमा भी क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, इसकी हरकत भी मैं सही से पढ़ रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ग्रामेटिकल एनालिसिस हम जब करते हैं तो हम हर एक एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, और हमें कोशिश ये करनी है कि ग्रामेटिकल एनालिसिस एक बार समझ में आ जाए तो उसको हम जैसे जैसे सेंटेंस रीड करें हम उसकी साथ साथ उसमें प्रैक्टिस हो रही हो, ठीक है जी। जी, मदरसती टॉपिक है, मदरसती, मदरसा कहते हैं स्कूल को, तो मदरसती मेरा स्कूल, माय स्कूल, हाजी ही मदरसती, हाजी मुब्तदा, मदरसती उसकी खबर, ये मेरा स्कूल है, हाजा फसली, फसल कहते हैं क्लास को, तो ये मेरी क्लास है, मदरसतुन चूंकि मुअन्नस है इसलिए इसका इशारा क्या हाजी ही से, इसकी इसकी डायरेक्शन कुछ और थोड़ा सा उसको होने देंगे टक टक कर, अभी भी कर रहा है, अभी ऐसा लग रहा है घोड़ा चला, इसको थोड़ा सा स्लो कर दें, स्लो कर दें, वरना सिर्फ स्लो कर दें, बंद हो गया मसला तो नहीं आपका? ओके जी, हाजी ही मदरसा थी, इसमें मदरसा चूंकि मुअन्नस है इसलिए इसकी तरफ इशारा किया हाजी ही मुअन्नस से, फसल चूंकि मुज़क्कर है इसलिए इशारा किया हाजा से, हाजा मुज़क्कर, फसली उसकी खबर, मुब्तदा खबर, फी ही करासी यू व मकातिबू लित्तुलाबी, उसमें है, उसमें किसमें,
क्लास में, फसल की तरफ, उस क्लास में है कुर्सियां, कुर्सीयुन की जमा, कुर्सीयुन मुंसरिफ है लेकिन करासीयु जो है वो गैर मुंसरिफ है, उसकी जमा जो है उसके अंदर कुर्सियां हैं। व मकातिबु, मकतबुन की जमा मकातिबु डेस्क हैं। लाबी, तालिबुन की जमा तुलाबुन स्टूडेंट्स के लिए। ये इसमें एक सवाल है जी जी, जैसे कुर्सी जो है वो ओरिजिनली कुर्सीयुन वर्ड है ना, तो यहां काफ के ऊपर फतह की ये जमा तकसीर है ना, जमा मुकसर में वजन चेंज हो सकता है ना, जैसे तालिबुन की जमा तुलाबुन। अच्छा ठीक है, हाजा कुर्सी। अब यहाँ पे देखें तीन या है टेक्निकली, हाजा कुर्सी ये मेरी कुर्सी है, वहाजा मकतबी और ये मेरा डेस्क है। और इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, हाजा मुब्तदा, कुर्सी में कुर्सी मुजाफ और या मुजाफ इलैह, हाजा मकतबी, हाजा मुब्तदा, मकतब मुजाफ और या मुजाफ इलैह। कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरा पेन और मेरी किताब बुक अलल मकतबी डेस्क पर है। व हकीबती तहतल कुर्सी, हकीबती, हकीबतुन कहते हैं बैग को, हकीबती मेरा बैग, तहतल कुर्सी कुर्सी के नीचे है। तीन या क्यों, देखिये कुर्सी युन में टेक्निकली दो या होते हैं, कुर्सी युन या पे तशदीद जब है इसका मतलब है कि वो दो या है, और जब यहाँ पे मुतकलम की या एक और आ गई तो तीन या हो गए उसके। वाकिबती तहतल कुर्सी, नाफिजा तो फसली मफतूहतन, नाफिजा कहते हैं खिड़की को, फसली मेरी क्लास की खिड़की, मफतूहतन खुली हुई है। तहतल कुर्सी, तहतल कुर्सी। हाजा फसलु अखी, ये मेरे भाई की क्लास है। वदालिका फसलु उख्ती, और वो मेरी बहन की क्लास है। फसलु अखी कबीरुन व फसलु उख्ती सगीरुन, मेरे भाई की क्लास बड़ी है और मेरी बहन की क्लास छोटी है। फसलु अखी अमाम फसली, मेरे भाई की क्लास अमाम फसली मेरी क्लास के सामने है। व फसलु उख्ती अमाम अल मलाबी, और मेरी बहन की क्लास मलाब प्लेग्राउंड के सामने है। ली सदीकुन वाहिदुन फिल मदरसती, मेरे लिए या मेरे मेरा है सदीकुन वाहिदुन एक दोस्त, फिल मदरसती मदरसे में। इस्मुहु उसामतु, उसका नाम क्या है, उसामतु, उसामा है उसका नाम। वहुवा फी फसली अयज़न, और वो फी फसली मेरी क्लास में है, अयज़न भी, और यानी और वो भी मेरी क्लास में है, ही इज आल्सो इन माय क्लास। तिलकल गुरफतुल कबीरतु लिल मुदर्रिसीना, वो बड़ा कमरा मुदर्रिसीन असातिज़ा के लिए है। फी मदरसतिना अल मुदर्रिसूना कसीरुना, हमारे स्कूल में टीचर्स बहुत ज्यादा है, कसीरों ना कसीर तादाद में है। ऊपर वाले जुमले में सिफत मौसूफ कैसे हुआ, किस वाले वर्ड की बात करें, अगर आप सदीकुन वाहिदन की बात करें तो टेक्निकली वो सिफत मौसूफ नहीं है, उससे अगर मैंने कह दिया था, क्योंकि जो असल में वो कॉन्सेप्ट है ताकीद का वो हमने किया नहीं है, तो फिलहाल हम इसको सिफत मौसूफ के तौर पर कह दें एक दोस्त। कुछ कह रहे नहीं, ओके ना, ना जो है आखिर में, ये जमा मुतकल्लिम का है। मलाब का माना होता है प्ले ग्राउंड, एराब और तर्जुम फी मदरसत, वो इन्होंने पैसेज ऐसे दिया हुआ है हमारे स्कूल में, आप मेरा स्कूल कहना चाह रहे हैं, आप फी मदरसत ही कह देंगे। ठीक है जी, ये जो लास्ट लाइन है इसमें लिल मुदरसीन में अगर फुल स्टॉप नहीं होता तो लिल मुदरसीना होता, अभी भी लिल मुदर्रिसीना ही पढ़ेंगे हम इसको, लिल मुदर्रिसीना, मुदर्रिसूना मरफू, मुदर्रिसीना नसब व मुदर्रिसीना जर, जमा मुज़क्कर सालिम का एराब। ठीक है जी, लिल मुदर्रिसीना यहाँ पर तो जर है जी, ये हालत जर में ही है, गैर जमा मुज़क्कर सालिम का जो एराब होता है वो वाव होता है रफा में और या होता है नसब और जर में। मुस्लिमूना मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। सदीकुन वाहिदुन, सदीकुन को आप मौसूफ बना दें, वाहिदुन को आप उसकी सिफत बना दें, दोस्त कितने एक दोस्त। सदीकुन मारफा है और नकिरा है, वाहिदुन भी नकिरा है, सदीकुन एराब में कैसा है मरफू है, वाहिदुन भी मरफू है, सदीकुन मुजक्कर है, वाहिदुन भी मुजक्कर है, सदीकुन वाहिद है और वाहिदुन भी वाहिद है टेक्निकली, तो जब चारों चीजें में पूरा हो रहा है तो वो हो गया सिफत मौसूफ। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाए जरा जल्दी से, हमारे पास 10 मिनट है इंशाल्लाह, हम इसमें
चैप्टर 9 तक पहुंचे थे। चैप्टर 9 में हम नहीं, चैप्टर 8 के एंड में थे। हमने जितना मुझे याद है हमने ये चैप्टर देखा था, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था एग्जाम में, लेकिन हम इसमें यहाँ तक पहुंचे थे। एक करा चैप्टर 9 भी हो गया है। चैप्टर 9 हो गया था? हम्म, ना करें, वाकई में हो गया था जी, हमने उसको इंक्लूड नहीं किया था, ऐसा था। हम्म, जबरदस्त, फिर तो आसानी होगी, पक्का हमने कर लिया था। एक बार श्योर है? एग्जाम कहां तक था? 8 तक। एग्जाम 8 तक था, ये किया हुआ है। चैप्टर 7 तक एग्जाम था मेरे ख्याल में, जितना मुझे याद है। हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। चैप्टर 7 तक इंक्लूडेड, 8 इंक्लूडेड था। हम 8 के एंड में यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे चूंकि जर्फ आ गए थे इसलिए मुझे याद है मैं रुक गया था। ओके जी, जरा इसको रीड कर लेंगे, आप रीड कर लें, थोड़ा सा जूम इन कर। इक्रा, पढ़ो। अस्सबूरतु अमामु 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 तालिबी अमामत तालिबी मंसूब होगा, ज़र्फ मंसूब, अमामा सामने मंसूब, अमामत तालिबी वही खल्फल मुदर्रिसी। अच्छा एक सेकंड वेट करिएगा, पेज नंबर ये बन रहा है मेरे पास जो फाइल है इसमें 46। अस्सबूरतु अमामत तालिबी वही खल्फल मुदर्रिसी। सबूरा किसको कहते हैं? बोर्ड को। तो बोर्ड जो है वो अमामत तालिबी स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट स्टूडेंट के सामने, वखलफल वही खलफल मुदर्रिसी और मुदर्रिस के पीछे, मुदर्रिस के पीछे। जाइए, अइन सय्यारतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की गाड़ी कहाँ है? कहाँ है? हिया अमामल मदरसती, वो मदरसे के सामने है, सामने स्कूल के सामने, स्कूल के सामने। अइन बैत तल, अइना बैतिल इमामी, बैतल ता क्यों, बैतुल, अना बैतुल इमामी, घर के सामने क्या है? अइना बैतुल इमामी, बैतुल इमाम, बैत कैसे कहते हैं घर, इमाम ये इमाम है, इमाम जी, इमाम के, इमाम का घर कहाँ है, कहाँ है? बैतल बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी, बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है, सही। अइन जलसा हामिद, हामिद कहाँ बैठा है? हामिद कहाँ बैठा, कहाँ बैठा है? जलसु खल्फ, जलसा, जलसा खल्फा महमूदन, महमूदन महमूद के पीछे बैठा है, महमूद के पीछे बैठा। एक सेकंड का, बैतू क्यों, यहाँ पे बैतुल इमामी क्यों पढ़ा हमने? हमजतुल वसल है, हमजतुल वसल नहीं, यहाँ अच्छा, पे बैतुल इमामी मुजाफ है ये, तो मुजाफ से इसको बैतू मरफू क्यों पढ़ा है, मरफू की रीजन क्या है? सेंटेंस शुरू किससे होता है? मुब्तदा से, ये मुब्तदा है, मुब्तदा कौन सी हालत में होता है? अच्छा। मरफू, तो ये मरफू पढ़ा जाएगा, ठीक है जी। जी नंबर 5, ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी वजलसा इमाम, अमामल वजलसा अमामल मेहराबी, ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी वजलसा अमामल मेहराबी। ज़हबा मतलब गया, अम्मार गया, अम्मार मस्जिद की तरफ गया और इमाम, और वो बैठा, और वो बैठा मेहराब के, मेहराब के सामने, मेहराब के सामने, मेहराब वो जगह मस्जिद में जहाँ पे इमाम पढ़ाते हैं नमाज, ठीक है जी। इस चैप्टर में टेक्निकली जो अलकलमातुल जदीदा आए थे, अल मुस्तशफा, इसका क्या माना था? हॉस्पिटल, अल्मानिया, जर्मनी, जर्मनी, इनकल्टरा, इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्विसरा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिक्किम, छुरी, छुरी, फरंसा, फ्रांस, अमामा सामने, खल्फा पीछे। देखिए अभी मैंने आपको
जरफा, जरफ के बाद वाला लफ्ज मुजाफ इलेही होता है, हमेशा जरूरी नहीं है। आम तौर पे जो इस्तेमाल होता है इसका वो मुजाफ मुजाफ इलेही के फॉर्म पे होता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है वो मुजाफ मुजाफ इलेही के तौर पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये दो डिफरेंट वर्ड्स है, एक है इमामुन और एक है अमामा। इमामुन जिसमें हमजा पे कसरा है, इमामुन ये लीडर, जैसे मस्जिद का इमाम होता है, उम्मत का इमाम होता है, और अमामा का माना होगा सामने। ठीक है, तो ये हरकत से माना तब्दील हो जाता है। इमाम का एराब बैतुल इमामी, अगर आप यहां पे पूछ रहे हैं तो यहां पे इमाम जो है वो मुजाफ इलेही है, और मुजाफ इलेही कहते हैं किसको, मुजाफ इलेही की हालत क्या होती है, मजरूर। ठीक है जी, ये उर्दू वाला वो अमामा पगड़ी जो है वो हमजा से नहीं होती, वो आइन से होती है, टेक्निकली अमामा होता है वो। ठीक है जी, हमने हम में से बहुत से स्टूडेंट्स को अरेबिक नहीं आती, प्लीज मॉडरेट स्पीड रखें। अच्छा, आपको जहां पे ना आ रहा हो तो आप बता दें, या फिर आप लोग थोड़ा सा इनपुट दें तो उस हिसाब से हम चलें। बाकी जब मुझे जवाब आ रहे होते हैं तो मैं उस हिसाब से चल रहा होता हूँ। नंबर फाइव में ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी व जलसा अमाम अल मेहराबी, यहाँ पे अमामा जो है वो सामने के मायने में है, फ्रंट के, तो ये ज़र्फ है। तो ज़र्फ का इराब क्या था, ज़र्फ मंसूब था। ठीक है जी, ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी, अम्मार गया मस्जिद की तरफ, व जलसा और वो बैठा, अमाम अल मेहराबी मेहराब के सामने, मेहराब वो जगह जहाँ पे इमाम नमाज पढ़ाते हैं। ठीक है, सबूरतुन का माना होता है बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड या क्लास में जो बोर्ड होता है उसको कहते हैं सबूरा। ठीक है जी, यहाँ पे रुक रहे हैं इंशाल्लाह, कल हम इस चैप्टर नंबर 9 को देख लेंगे। मेहराब जो है ये वो जगह होती है मस्जिद में जहाँ पे इमाम नमाज पढ़ाते हैं, अगर आपने देखा हो तो वो एक सेपरेट सी जगह होती है। ठीक है जी, अल्मानिया का माना होता है जर्मनी। जी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर के रूल्स आप ये जितना भी आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह वो टाइम टू टाइम आपके जहन में बैठेंगे। प्लीज इसको आप एक्सपेक्ट ना करें कि ग्रामर आपने एक बार पढ़ी और आपसे जो है वो ग्रामर पूरी पूरी जहन में बैठ जाएगी, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। जितनी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना हम आगे चलते रहेंगे, आपके लिए पुराने वाले रूल्स आसान होते रहेंगे। ठीक है, जमा मुतकल्लिम क्या है सर, आई फील लाइक जमा मुतकल्लिम जैसे एक होगा वाहिद, मुतकल्लिम कहते हैं फर्स्ट पर्सन को जो बोल रहा है, जैसे आए हो गया तो वो हो गया वाहिद मुतकल्लिम, मैं सिंगल। और जब हम प्लूरल की बात करेंगे वी नहनु हम, तो वो हो जाएगा जमा मुतकल्लिम। ओके जी, यहाँ काफी सारे लोग ग्रामर से पहले से वाकिफ हैं लेकिन हम नहीं है, फॉर अ बिगिनर हमारी पेज थोड़ी सी कौन सा। आपने कब ज्वाइन किया था फातिमा अजीज, आप हमने एक क्लास शुरू की थी जून जुलाई में, तकरीबन जुलाई में, तो तब हमने ऐसे ही शुरू किया था कि सब बिगिनर हैं और हम बिल्कुल बेसिक से चले थे, अल्फाबेट से हमने शुरू किया था। बट नाउ वी आर इन नवंबर, तो अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम वापस से शुरू से चले। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली तो आप पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप उनको देख सकती हैं। मदरसती वाला लास्ट जुमला रिपीट कर दें, एक सेकेंड सर, अब नमाज का ब्रेक नहीं हुआ करेगा, हमारे यहाँ नमाज जो है 5:45 बजे हो रही है तकरीबन, तो हम नमाज के बाद ही क्लास शुरू करते हैं, इसलिए वो तकरीबन 6:10 पे क्लास पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शुरू हो रही है। ठीक है, मदरसती वाला जुमला कौन सा था, वो पिछले उसमें था अमाम अल मदरसती, ये वाला कह रहे हैं सेकेंड वाला। ये क्लास में वीक स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में आके पूछ लूंगा कौन स्टूडेंट्स वीक हैं, उनसे ही हम जो है उनको माइक देंगे। ठीक है जी, मौसूफ सिफत और मुजाफ मुजाफ इलैह में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, डिफरेंशिएट कैसे करें। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वो इस बुक में मौसूफ सिफत पे ही होगा, तो इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। होमवर्क वाली एक्सरसाइज का भी करवाएं, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने क्लास शुरू उसी से की थी, हमने उसी से किया था।
शेख उबैद टोल्ड अस अल मुंजिद अरबिक शुड बी गो फॉर इट. आप देख लें अगर आपको उर्दू, लेकिन उसका देखने का तरीका कुछ और है तो वो उनसे सीख लीजिएगा कि किस तरह मुंजिद से देखते हैं. आप उसको देख लें. अरब टू और तर्जुमा दोनों बताते हैं. फिर अरब और तर्जुमा मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अरबिक पहले नहीं. यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो आइडिया है कि हमने जितना भी किया है उसमें यही एक्सपेक्टेशन है. ये अरबिक से पहले फेमिलियरिटी की बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने शुरू से किया था उस हिसाब से ही हम चल रहे. बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहे. उसूलन यानी जो मैं लास्ट 2-3 सालों से जब पढ़ा रहा हूँ तो मिड टर्म तक जो है वो टेक्निकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं यानी कहाँ तक कौन सा चैप्टर होगा, हाँ चैप्टर 11 है. तो मिड टर्म तक का जो हमारा सिलेबस होता है वो ये चैप्टर 11 तक होता है यहाँ पे. और वहां पे जो आज हमने कंप्लीट किया है ग्रामर में, तो टेक्निकली हम बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में स्लो चल रहे हैं. कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ. कोशिश करें इंशाल्लाह आप जब क्लास ले रहे हो तो कोई सवाल हो आप पूछे करें, इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे. मुश्किल बहुत है आगे का. आप अगर आप अपने बात को अपने आप को यही बात बोलेंगी कि मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है तो वो आसान बन जाएगा. अगर आप ये कहेंगी कि मुश्किल है तो वो मुश्किल नहीं भी होगा तब भी आपको मुश्किल ही लगेगा. आप अपने आप को कहा करें कि ये बहुत आसान है इंशाल्लाह, और अल्लाह से तरह से दुआ किया करें रब्बी यस्सिर वला तुसिर, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान बनाए मुश्किल ना बनाए. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास हम ऐसा करेंगे या कल की क्लास हम ऐसा करेंगे, सिर्फ जो है वो वीक स्टूडेंट से ही कहेंगे कि वो जवाब दें, और जो स्ट्रॉन्ग जिनको जवाब आ रहा होगा उनसे हम जवाब लेंगे ही नहीं. ठीक है, ऐसा कर लेंगे. अच्छा, आप दुआ वैसे सर्च कर लें जो दूसरी दुआ है जो अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, तो वो आप सर्च कर लें इंशाल्लाह आपको आराम से मिल जाएगी. ठीक है जी, अभी मेरी क्लास का टाइम खत्म हो गया इंशाल्लाह. कल जो है आप अगर कोई सवाल वगैरह हुआ करें तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करें, क्लास के शुरू में आप मुझे बता दिया करें, इंशाल्लाह फिर हम उनको पहले डिस्कस कर लिया करेंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका.